हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली शहर के नारी मोहल्ले में एक महिला के सोमवार की शाम को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस महिला को रेस्क्यू कर बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया है तथा एक किलोमीटर दायरे में नारी मोहल्ले इलाके में कर्फ्यू की घोषणा की गई है। चिकित्सा विभाग की ओर से रविवार को पाली शहर के इस इलाके में 30 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल में से नारी मोहल्ला में रहने वाली 26 वर्षीय एक महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। वह पूरे इलाके को सील करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस के जरिए महिला को बांगड़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं परिवार के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी रोहिताज सिंह तोमर, पुलिस उप अधीक्षक नारायण दान चारण, कोतवाली प्रभारी गौतम जैन, चिकित्सा टीम भारी पुलिस बल के साथ नाड़ी मोहल्ला पहुँच गया था। पूरे मामले की जानकारी को देख कर कोतवाली थाना क्षेत्र के इस इलाके में एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं आस पास के मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने अपने स्तर पर गलियों में रस्सी बांधकर सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। इस पूरे इलाके में चाय, दूध, सब्जी तक की सप्लाई अब जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। पूरे इलाके को सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया जा रहा है तथा मंगलवार की सुबह चिकित्सा टीमें जांच का दायरा बढ़ाकर इस इलाके के और भी लोगों के सैंपल लेगी। पाली शहर में ये पहला कोरोना पॉजिटिव का मामला है। इससे पूर्व जिले के ठोला तथा लापोत गाँव में आए दो पॉजिटिव लोगों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने पाली शहर के और भी अन्य संदिग्ध इलाकों में मंगलवार से जांच तेजी से करवाने के चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए हैं। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।